हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम हमारे कोड में लूपिंग ऐड कर सकते हैं। और उससे पहले हम ये देख जानेंगे कि किस हमें लूपिंग की ज़रूरत क्यों है, हम लूपिंग ऐड क्यों करते हैं। तो जैसे कि हमने गिटहब से हमारा क्लोन बना के हमने कोड हमारे सिस्टम में डाउनलोड किया है, तो वो मैंने पहले से करा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रॉ कोड है और हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास hangman.py एक फाइल है जिसमें रॉ कोड स्टोर किया हुआ है। तो इसमें स्टार्टिंग में हमने एक मॉड्यूल स्ट्रिंग इंपोर्ट किया है और दो जो अदर फाइल्स हैं वर्ड्स और इमेजेस, इन फाइल से हमने कुछ चूज वर्ड और इमेजेस को इंपोर्ट किया है। इसके बाद में हमने कुछ कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं जिनका हमें आगे यूज़ करना है हमें, ताकि हम हमारा कोड सही से बन पाए। और हम देख सकते हैं कि फाइनली हमने एक हैंगमैन नाम का जो फंक्शन है उसे सीक्रेट वर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया है। हम देखते हैं सीक्रेट वर्ड क्या है। तो सीक्रेट वर्ड बेसिकली चूज़ वर्ड को कॉल करता है, जो कि एक फंक्शन है। तो हम देखते हैं चूज़ वर्ड किस तरह से काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फाइल में देखा है, जो हमारी फाइल है जहाँ पे हमने कोड स्टोर किया हुआ है, उसमें हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जैसे कि हैंगमैन, इमेजेस, वर्ड्स और words.txt, इस तरह से फाइल्स हैं। तो हम जो चूज वर्ड है वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वर्ड्स इंपोर्ट चूज वर्ड। अब मैं चूज वर्ड को कॉल कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जैसे इसको कॉल कर रहे हैं, तो ये रेंडमली कोई एक रेंडम वर्ड है जिसको हमें रिटर्न कर रहा है। तो हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इसके लिए हम वर्ड्स जो हमारी फाइल है इसको हम और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूज़ वर्ड जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है। इसमें वर्ड लिस्ट एक वेरिएबल है जो एक लोड वर्ड्स करके फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो हम देखते हैं लोड वर्ड्स क्या करता है। लोड वर्ड्स जो है एक लिस्ट को कैरी करता है, वर्ड लिस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास सीक्रेट वर्ड है, हमने इसको random.choice वर्ड लिस्ट को इसमें हमने असाइन किया है। तो हम समझते हैं, हाँ, तो random.choice जो है वो किस तरह काम करता है। तो इसके लिए मैं आईपाइथन सेल खोलता हूँ। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ मॉड्यूल इंपोर्ट रेंडम, और हम एक वेरिएबल में एक लिस्ट को असाइन कर देते हैं जैसे कि l=1, 2, 3, 4. random.choice जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने लिस्ट में 1 to 10 मेरे नंबर्स स्टोर करवाए थे। तो हम जैसे ही हम random.choice को कॉल करते हैं,
उसमें अप्लाई करते हैं तो बार बार हमें एक रेंडमली नंबर पिक होके हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम समझते हैं। आगे देखते हैं, ये हैंगमैन जो हमारा फंक्शन है वो अब किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि गेम की शुरुआत में ही यूज़र को बता देते हैं कि सीक्रेट वर्ड में कितने लेटर्स हैं, हर राउंड में यूज़र से एक लेटर्स गेस करने को बोलते हैं। तो हम इसका आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। जैसा कि इसमें हमने बताया है इसको कि आई एम थिंकिंग ऑफ अ वर्ड दैट इज़ 10 लेटर्स लॉन्ग, और इसके साथ ही अवेलेबल लेटर्स शो कर रहा है जो ए टू जी तक स्मॉल लेटर में हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें हम गेस कर सकते हैं, और हमें कह रहा है कि कोई एक नंबर गेस कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने वेलकम टू द गेम हैंगमैन प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया कि आई एम थिंकिंग ऑफ अ वर्ड दैट इज स्ट्रिंग एंड लेंथ फंक्शन, जो इनबिल्ट फंक्शन है हमने उसको कॉल किया, लेंथ सीक्रेट वर्ड और लेटर्स लॉन्ग। अब हम ये देखते हैं कि लेंथ जो सीक्रेट वर्ड है वो किस तरह से काम करता है। माना कि मैंने एक नेम लिखा, वेरिएबल नेम, उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाई पवन, एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लेन का लेन ऑफ नेम, तो यह हमें इसकी लेंथ देता है 5 आउटपुट देता है, क्योंकि इसमें हमने पवन जो है इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। इसके साथ ही अगर मैं इसमें स्पेसेस कैरी करूं तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। मींस सिंपल कि जो हमारे जो लेंथ काउंट करता है ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीक्रेट वर्ड की लेंथ को प्रिंट करवाया है। जो भी सीक्रेट वर्ड चूज वर्ड जो हमारा है वो रिटर्न करता है, फंक्शन जो है रिटर्न करेगा वो सीक्रेट वर्ड हमारा, उसकी लेंथ को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। इसके बाद में हमने लेटर गेस्ड करके एक लिस्ट है जिसको हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसको ब्लैंक लिस्ट असाइन की है लेटर गेस्ड को। इसके बाद अवेलेबल लेटर्स जो कि एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं गेट अवेलेबल लेटर्स, तो हम इसके बारे में जानते हैं। गेट अवेलेबल लेटर्स, गेट अवेलेबल लेटर्स में सिंपली इम्पोर्ट एक मॉड्यूल इम्पोर्ट किया हुआ है स्ट्रिंग, और लेटर लेफ्ट है इसमें हमने स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस को असाइन किया है। तो इससे पहले कि हमें समझें कि आस्की लोअर केस इसमें किस तरह से काम करता है और उससे क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ मॉड्यूल इम्पोर्ट string and then string dot ASCII underscore lower case। जैसे कि हम देख सकते हैं कि a b c d e f g h i and so z, मतलब a to z हमारे a to z तक हमारे पास अल्फाबेट्स लोअर केस में आ गए। इसको और बेटर समझने के लिए हम इसको इस तरह से करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लोअर केस की जगह पे अपर केस डालता हूँ तो मुझे अपर केस में पूरे अल्फ़ाबेट जो हैं ए टू जेड जी तक अल्फ़ाबेट जो हैं सभी
अपर केस में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये, यहाँ पर हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ए टू जी तक लेटर्स अवेलेबल है, मतलब हम इनमें से कोई से भी लेटर्स को एज ए इनपुट दे सकते हैं। और जो ये फंक्शन है वो हमें लेटर लेफ्ट, जो लेटर्स हमें बचे हुए हैं वो हमें रिटर्न करता है। इसके बाद में हमने गेस में रॉ इनपुट लिया है यूज़र से और उससे कहा है कि आप एक लेटर गेस कीजिए, प्लीज़ गेस अ लेटर। इसके बाद में हमने लेटर को गेस डॉट लोअर, एक नया वेरिएबल बनाया लेटर, और लेटर में हमने गेस डॉट लोअर लोअर मेथड का यूज़ किया हमने, और उससे हमने फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या किया, उसे लोअर केस में कन्वर्ट किया है। तो हम इसका यूज़ देखते हैं कि किस तरह से यूज़ हो रहा है। स्ट्रिंग ए पवन डॉट लोअर ए जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम अपर केस में लोअर जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा जो अपर केस में लिखे हुए कोई भी उसका होगा तो हमें वो लोअर केस में मिल जाता है। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर यूज़र कुछ ऐसा इनपुट देता है, अगर वो अपर केस में इनपुट देता है तो हम अगर उसे लोअर केस से कंपेयर करेंगे तो वो हमारा फॉल्स ही शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ए इक्वल टू हम कंपेयर कर रहे हैं मान लो ए से, तो इट इज़ शोइंग फॉल्स, सो वी नीड टू लाइक दिस ट्रू करेक्ट एंड नेक्स्ट इज लेटर इन सीक्रेट वर्ड। If letter in secret word, अगर letter जो हमारे secret word जो हमारा word है मतलब जो variable है इसके अंदर जो हमारा secret word जिसे हमें guess करना है, अगर letter जो हमने guess किया है वो अगर secret word में होगा तो letter guess dot append letter, जो हमारे letter guess जो हमने अभी list define की है उसमें हमारा letter append हो जाएगा। तो append method को function को समझने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट एल इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट असाइन की मैंने एल को एक ब्लैंक लिस्ट असाइन कर दी है, तो मैं प्रिंट करके देखता हूँ प्रिंट एल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हुई है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एल डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं पी अपेंड करता हूँ एंड देन हम प्रिंट करवाते हैं एल को। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग पी नाम का आ चुका है। अब हम इसके अंदर रंजीत अपेंड करवाते हैं, फिर से प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे देखते हैं एक स्ट्रिंग पी है और दूसरी स्ट्रिंग रंजीत इसमें हमने ऐड कर दिया है, तो इससे क्लियर है हमें कि किस तरह से अपेंड जो है फंक्शन है वो काम करता है। इसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि इफ़ हम एक नए फंक्शन को अलग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि इफ वर्ड गेस्ड, अगर वर्ड गेस्ड
जो फंक्शन है वो कॉल होता है वो ट्रू होता है तो हम प्रिंट करवाते हैं कि कंग्रेचुलेशन यू वॉन। इस फंक्शन में अभी हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझेंगे। और अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर लेटर इन नॉट सीक्रेट वर्ड, तो हम एल्स कंडीशन पे आएंगे। हमारा कोड जो है एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा उस दैट लेटर्स इन इज़ नॉट इन माई वर्ड, गेट गेस्ड वर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेट गेस्ड वर्ड फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। जो गेट गेट गेस्ड वर्ड फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स सीक्रेट वर्ड और लेटर गेस्ड दो पैरामीटर के साथ बना हुआ है। इसमें हमने एक गेस्ड वर्ड करके ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन की है, गेस्ड वर्ड को ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन की है और वाइल चलाया, वाइल लूप इटरेट किया है इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ सीक्रेट वर्ड के तक। इफ सीक्रेट वर्ड ऑफ इंडेक्स इन लेटर गेस्ड देन गेस्ड वर्ड प्लस इक्वल टू सीक्रेट वर्ड इंडेक्स एल्स गेस्ड वर्ड प्लस इक्वल टू ए स्ट्रिंग होल्डिंग विथ अंडरस्कोर। और इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं गेस्ट वर्ड। इसको समझने के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि कॉल करते हैं अगर हम इसे कॉल करके देखें गेट गेट गेस्ड वर्ड, हम मान ले कि अगर सीक्रेट वर्ड जो है वो एप्पल है और जो लेटर हमने अभी तक गेस किए हैं वो है ए पी एंड अगेन ओ, गेस किए हैं तो वो है ए और पी। तो जो ये फंक्शन को कॉल करके देखते हैं क्या हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अगर इसको कॉल किया है तो ए और पी अगर हमने गेस कर लिए हैं और अगर हमारा वर्ड एप्पल है तो ये हमें ए पी पी और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस तरह से शो करेगा। अगर हमने सभी वर्ड गेस कर लिए होते तो ये हमें एप्पल पूरा जो हमारा सीक्रेट वर्ड है वो हमें शो करता। तो हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे हमें ये एक लेटर गेस करने के लिए कह रहा है तो हम गेस करते हैं 8 लेटर्स लॉन्ग जो है, मान लो हमने गेस किया एन ओ, तो इसमें हमें जो n है वो हमारे लेटर में अवेलेबल है और वो 2 times रिपीट हो रहा है और जिस जिस पोजीशन पे है वो भी हम उसमें शो करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक जितना हमने समझा इसमें हमें ये ज़रूरत है कि हमने जैसे एक बार इनपुट दिया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो गया, तो इसके लिए हमें मल्टीपल टाइम्स ऑफ इनपुट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम इसमें लूपिंग का यूज़ करते हैं। Content we want to repeat multiples of time
available letters repeatedly. जो कंटेंट हमें रिपीटेडली लूप में इटरेट करवाना है उसे हमने वाइल ट्रू में कर दिया है, और अगर हमारा वर्ड जो है वो गेस हो जाता है तो हम ब्रेक कर देंगे। कि अब मैं गेस करता हूँ एन, तो ये हमारे इसमें है, तो हम इस दूसरा वर्ड गेस करता हूँ जैसे कि शायद आई डब्ल्यू नहीं, तो इस तरह से हमने इसमें मल्टीपल्स ऑफ इनपुट लेने के लिए हमने इसको फ्लेक्सिबल बना दिया है। थैंक यू।